सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फिडलर। तो फिडलर क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे फिडलर के थ्रू हम क्या क्या काम अचीव कर सकते हैं और फिडलर बेसिकली है क्या, और जो हमारी वेब एपीआई है उसको हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, और ये फिडलर होता है क्या, इसको कहाँ से इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली फिडलर इज़ अ फ्री डिबगिंग प्रोसेस प्रॉक्सी टूल विच इज़ यूज फॉर टेस्टिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो जो हमारी रेस्टफुल वेब सर्विसेज हम क्रिएट करते हैं उनको डिबग करने के लिए और हमारे पास एक प्रॉक्सी टूल मिलता है जिसको हम कहते हैं फिडलर। और भी टूल्स अवेलेबल हैं और हम टाइम के टाइम जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक जो है सबसे वो फिडलर है, तो फिडलर को डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन यूज़ फिडलर टू कंपोज एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट रिक्वेस्ट HTTP टू अवर वेब API एंड चेक द HTTP रिस्पॉन्स। अब फिडलर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक डीबगिंग टूल है, तो इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी API के डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से जा रही हैं, उनका रिस्पॉन्स हमें सही रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको हम इजिली जो है वो फिडलर के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो जैसे ही आपको फिडलर यूज करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डाउनलोड फिडलर फ्रॉम दिस लिंक। अब ये लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ से फिडलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेलरिक की वेबसाइट है जहाँ से आपको और भी ASP.NET और WinForms से रिलेटेड जो है ना टूल्स वगैरह मिल जाते थे, तो फिडलर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पर इस लिंक पर जाएंगे तो आपके पास एक URL ओपन हो जाएगी और वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। सो उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बहुत ही सिंपल है, इसको इंस्टॉल करना है। हार्डली 6 MB का इसका सेटअप होता है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिडलर को ओपन करना है। सो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फिडलर को ओपन करके। सो लेट्स सी फिडलर 4, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया इसको। सो ये कुछ इस तरह का आपके पास इसका जो रिज़ल्ट है आपके पास आता है। जितने भी आपके जो हैं वो सारे प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पर शो कर रहा होता है, और यहाँ से अगर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस शो कर रहा है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल प्रोसेसेस पे क्लिक हुआ होता है, तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से हाइड ऑल कर देता हूँ, तो जितने भी हमारे इनरेलीवेंट जो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेसेस शो हो रहे होंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेप है कि आपने फिल्डर को ओपन करना है। उसके बाद आपके पास कंपोज़र टैब होती है, उस कंपोज़र टैब को क्लिक करना है। कंपोज़र टैब के अंदर एक पास टैब होती है जिसके अंदर हम जो है वो हम अपनी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, और एक हमारी ड्रॉप डाउन होती है जिसके अंदर हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर HTTP मेथड को सिलेक्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम भी अभी एक जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से इसको जो है इस फिडलर की जो टूल है इसको किस तरह से यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आ जाएंगे जिस तरह से हमने डिस्कस किया, दैट इज द कंपोजर टैब। कंपोजर टैब में आप जैसे ही आएंगे तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास पास टैब आ रही है, इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन आ रही है जिसके अंदर आप क्या लिखते हैं, अपने सारे ये जो आपके पास जितने भी आपके HTTP मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, और यहाँ पर आप अपनी जो है API की जो आपके पास URL होती है वो पास करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक API क्रिएट करी थी जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू कंट्रोलर था और उसके अंदर एक मेथड था गेट और एक था हमारे पास दो गेट थे, लेकिन ये जो था ये आपके पास वैल्यूज़ दे रहे थे इसको, तो ये आपको ID गेट करके उसकी वैल्यू ला के दे रहा था और ये आपके पास कंप्लीट वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा था। तो अब आपको क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से इसको गूगल क्रोम पर रन करवाना है। सो जैसे ही आपके पास आपके ये URL आ जाता है तो यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और फिर आप भले यहाँ से इसको रिमूव कर दें, और ये जो आपकी URL है ये आकर आपने इधर कॉपी करनी है। यहाँ से आपको बताने है कि आप कौन से टाइप का मेथड जो है वो रन कर रहे हैं। सो हम अगर गेट रिक्वेस्ट को रन कर रहे हैं तो यहाँ पर जाके जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया होस्ट क्या है 626, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ रिसीव हुई हैं, ये आपके पास इसका हेडर आपके पास आ रहा है रिक्वेस्ट हेडर और ये आपके पास आ रहा है रिस्पॉन्स हेडर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर जाएंगे रॉ के अंदर तो ये आपको सिंपली रॉ डेटा दिखा रहा है यहाँ पर भी, रॉ डेटा में कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 रिसीव हुई है। जेसन में अगर देखना चाहते हैं रिस्पॉन्स तो ये आपको जेसन में दिखा रहा है।
जैसन में आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अगेन कंपोजर की टैब में जाते हैं और इसको एक वैल्यू पास करते हैं, लेट्स कॉल इट वन, और एग्जीक्यूट करते हैं अगेन, तो अब आप देखें इस वाली रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या रिसीव हुआ है, सम वैल्यू। अब ये सम वैल्यू क्यों रिटर्न हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाएँ तो हमने जो आपके पास आईडी वाला गेट मेथड है उसके अंदर हमने क्या पास किया हुआ कि ये हमेशा हमें सम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये आपके पास इस तरह से सम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर के अंदर एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके थ्रू हम गेट पोस्ट सारे मेथड्स को रन कर कर देखेंगे। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये आप कहलाती है रिक्वेस्ट बॉडी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो हम फिडलर की तरह फिडलर को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि हम एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और उसको डीबग करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट जा रही है और किस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो रही है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।